नमस्कार बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है राष्ट्रसंत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कतार सिंह और ऑनरी कंसल्टेंट डॉक्टर बी के शर्मा। हमें पता है कि जनवरी महीना जो होता है वो कैंसर की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, और आज हमारे साथ ये जो दो व्यक्तिमत्व है वो कैंसर से जो है रिलेटेड जानकारी हमें साझा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो है डॉक्टर बी के शर्मा इनसे है कि कैंसर क्या होता है, क्या बताओगे? क्योंकि जो राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में आपको करीबन 40 साल हो रहे हैं, आप सेवा दे रहे हो, और आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है दे मरीजों के लिए, ये काफी तगड़ा अनुभव है। तो हमारे दर्शकों को आज आप क्या बताना चाहोगे कैंसर के बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर बी के शर्मा। सही बात तो ये है कि जो कैंसर है वो एक प्रकार का एक नया डेवलपमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर में, एक नई चीज उत्पन्न होती है। उस उत्पन्न के नई चीज में एक गांठ शरीर का बनना, एक फोड़ा शरीर का बनना, और जो कि साधारण इलाज से उसका कोई हल नहीं निकलता, तो ऐसा वो जो गांठ या फोड़ा बनता है उसको हम कैंसर कहते हैं। बिल्कुल। कतार सिंह, डॉक्टर कतार सिंह ये जो है 2002 से इस हॉस्पिटल में है, सेवा दे रहे हैं, और अभी वो 2 साल से एज ए डायरेक्टर संचालक के रूप में वहाँ कार्यरत है। हमारा आपसे भी सवाल है, कैसे कैंसर की पहचान होती है, क्या बताना चाहोगे? जैसे कि शर्मा सर ने बोला कि कोई गठान या कोई घाव जो काफी समय तक नहीं भर रहा है, हमारे नागपुर में जो कॉमन कैंसर है वो ओरल कैविटी का है। मुंह के जो कैंसर है, उदाहरण के लिए बताता हूँ कि बहुत समय तक तंबाकू खाने से, खर्रा खाने से एक घाव बन जाता है, जो बक्कल म्यूकोजा कहते हैं हम, अंदर की जो स्किन है वो पिंक कलर की होती है, कुछ समय बाद वो सफ़ेद हो जाती है, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। यदि वो खर्रा खाने वाला अभी भी बंद नहीं करता है तो आगे चल के वो एरिथ्रोप्लेकिया में बदल जाता है, तो लाल पैचेस बन जाते हैं। इसके बाद भी अगर खर्रा खाना चालू रखते हैं तो आगे चल के ये ऐसा घाव बनता है जो फिर किसी इलाज से भरता नहीं है, तो इसको हम है ना फ्रैंक कैंसर बोलते हैं। ऐसे 3 स्टेज के बाद कोई भी जो एडिक्शन है, बंद नहीं कर रहे हैं खर्रा खाना, तो वो कैंसर में बदल जाता है। बिल्कुल, कई तरह के हमने कैंसर देखे हैं, सुने भी है, तो इस कैंसर का मतलब कैसे पहचाना जाता है? मतलब अलग कैंसर जो है, हर कैंसर को अलग तरीके से पहचानना, मतलब उसके कुछ सिम्टम्स अलग होंगे, तो किस तरह से उसको पहचाना जाता है? मुंह के कैंसर में सबसे आसान है कि कोई घाव है तो जो स्पेशलिस्ट है उस घाव को समझते हैं, और सिर्फ देखने से ही वो प्रूव नहीं होता है, वहाँ से एक छोटा टुकड़ा बायोप्सी के रूप में निकालते हैं जिसकी पैथोलॉजिस्ट जांच करते हैं, फिर वो कंफर्म होता है कि वो कैंसर का घाव है कि नहीं। बिल्कुल। फिर शरीर में, गले में कोई गठान है उसका हम FNAC के द्वारा जांच करते हैं, अगर खाने की नलिका में है तो हम एंडोस्कोपी से जांच करके वहाँ से बायोप्सी निकालते हैं, तो इन तरीकों से हम उसको कन्फर्म करते हैं कि वो कैंसर का है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा बीके शर्मा, डॉक्टर बीके शर्मा इनसे है कि कैंसर के मुख्य सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या बताना चाहोगे? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कई तरह के सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, और क्योंकि किस जगह अगर वो कैंसर हुआ है, जैसे कि अगर मुंह में छाला है तो हमें उस मरीज के द्वारा ये पता लगता है कि भाई मेरे मुंह में छाला है, मेरे मुंह में से जब मैं कुछ खाता हूँ तो रक्त भी निकलता है। कुछ ऐसे कैंसर जो फेफड़े के कैंसर होते हैं, उसका सही जो सिम्टम्स ये होता है कि मरीज आपको बताता है कि जब भी मैं खांसता हूँ तो उसमें खून निकलता है। कुछ कैंसर जो हमारी अन्न नली का है, जिसको कि हम इसोफेगस बोलते हैं, इस खाना अनपचन होना, उसके बाद में कभी कभी वॉमिटिंग होती है, और उस वॉमिटिंग में जो खून जो निकल रहा है वो एक अलग सिम्टम है। ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि इसे ये पता लगता है कि शायद हो सकता है कि इनको कैंसर हो। एक और चीज़ है जिनको बहुत ही सरदर्द होता है, ऐसे भी मरीज हमारे पास में आते हैं सिर्फ सरदर्द लेके, और जब उसका परीक्षण करते हैं तो पता लगता है कि उसको उसके सर में या ब्रेन के अंदर में कोई नया फोड़ा या ट्यूमर डेवलप हो रहा है। यदि मल विसर्जन के समय पर भी यदि
मल विसर्जन के समय भी उस समय भी अगर ब्लीडिंग होती यानी कि रक्त निकलता है तो भी हमें ऐसा पता लगता है। उसी तरह से जब जब पेशाब के अंदर में से खून निकलता है तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं अलग अलग बॉडी में, और वो बॉडी वो सिम्टम के द्वारा ही हम पता ये कर सकते हैं कि शायद इस मरीज को कैंसर हो सकता है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर प्रताप सिंह से है कि इसका मतलब कैंसर जो होता है इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किस तरह से होता है? डायग्नोसिस में पहला जो तरीका है वो एफएनएसी है, फाइन नीडल एस्पिरेशन। जो भी गठान है, जो भी फोड़ा है, वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, जो लिक्विड रहता है उसमें स्लाइड परीक्षण के बाद पता चलता है कि वो कैंसर है। फिर उसके बाद जो गठान है, जो फोड़ा है, जो अल्सर है, उससे छोटा सा पीस निकालते हैं जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं, उसके परीक्षण से पता चलता है कि कैंसर है। फिर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इंटरनली हैं, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं हाथ के द्वारा, तो दूरबीन के द्वारा, स्कोपी के द्वारा हम वहाँ पर जो भी गठान है या फोड़ा हुआ है उसका पीस निकाल के बायोप्सी के द्वारा प्रूव करते हैं। इसमें जो भी पीस निकलते हैं उन्हें हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण बोलते हैं। कई बार हिस्टोपैथोलॉजी के उससे भी हमको कंफर्म नहीं होता कि कैंसर है, तो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा उस कैंसर का संपूर्ण निदान करते हैं कि ये कैंसर है और किस वैरायटी का है, किस ग्रेडिंग का है। तो ये तरीके यूज होते हैं। सर ने बताया कि ब्रेन में कोई कैंसर है तो उसको न्यूरोसर्जन के द्वारा ब्रेन के उस हिस्से से उसका टुकड़ा निकालना पड़ता है जांच के लिए। तो सर्जरी के दौरान उसको पूरा निकालने की कोशिश की जाती है, फिर इस टुकड़े को परीक्षण के लिए हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेजते हैं, इससे कंफर्म होता है कि वो कैंसर है। बिल्कुल, जिससे हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर का जो प्रमाण है वो भारतीय महिलाओं में ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? भारतीय महिलाओं में पहले जो नंबर वन पे कैंसर था वो सर्विक्स का था, बच्चेदानी का कैंसर था। अभी कुछ वर्षों से पश्चिम जो देश हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन ये ब्रेस्ट है, स्तन का कैंसर है। तो धीरे धीरे भारत में भी जो खानपान में जो बदलाव आया है, लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, तो अब महिलाओं में भारत में प्रथम कैंसर जो है स्तन का हो गया है। सी ए ब्रेस्ट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, और इसकी ज़्यादातर ये रहता है कि जो महिलाएं बहुत समय तक जिनके बच्चे नहीं होते हैं या जिनका महावारी बहुत जल्दी चालू होती है, और महावारी बहुत दिनों बाद रुकती है, 45 तक रुकना चाहिए मगर जिनका 50 तक रहता है, और जो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, ऐसे केसेस में सी ए ब्रेस्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बताया कि पहले पश्चिमी देशों में ज्यादा इसका प्रमाण था लेकिन अभी भारतीय महिलाओं में भी ये बढ़ रहा है। मैंने कहीं ऐसा भी सुना था कि ब्रेस्ट कैंसर ये सिर्फ महिलाओं में नहीं अभी पुरुषों में भी देखा जा रहा है, इसमें कितना तथ्य है? पुरुषों में भी 1% केसेस में ये सीए ब्रेस्ट होता है, मेल ब्रेस्ट कैंसर हम जिसे बोलते हैं। तो स्तन वाला जो हिस्सा है छाती के ऊपर जो एरियोला है उसके नीचे वाले हिस्से में जो ग्रंथि रहती है तो वो पूर्ण रूप से ब्रेस्ट के रूप में विकसित नहीं होती हैं, मगर जिनको कैंसर होता है वो एक गठान का रूप लेके उसमें फैलता है और वो कैंसर के रूप में बदल सकती है। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि कई मतलब जटिल समस्याओं मतलब कैंसर से जुड़ी समस्याओं को वहाँ हल किया गया है। मरीज जो है अभी भी मतलब वो जिंदा है, अपने जीवन जो है अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि एज ए डायरेक्टर हो आप, संचालक हो, तो फिलहाल अभी जो 2023 है चल रहा है, हम देख पा रहे हैं कि कई मशीनरीज हमें पता है कि कैंसर के लिए आई है, डायग्नोसिस के लिए आई है, तो यहाँ जो है राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में किस तरह का नए मतलब कुछ मशीनरीज आई है मरीजों के लिए और क्या उपाय मतलब नए नए किए जा रहे हैं, क्या बताओगे? कैंसर के इलाज में जो डायग्नोसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम उस बीमारी की जांच को सही तरीके से, सही समय पर, सही तरह से अगर पकड़ लेते हैं तो आगे का इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। तो राष्ट्र संत तुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में हमने कैंसर ब्रेस्ट के लिए एक नई मशीन लाए हैं जिसका नाम है थर्मोलाइटिक्स। इस मशीन के द्वारा, इंफ्रारेड कैमरे के द्वारा, हम ब्रेस्ट में हो रहे आधे सेंटीमीटर के ट्यूमर को भी पकड़ सकते हैं। इसमें एआई का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये मशीन है इंफ्रारेड कैमरे के साथ। इसमें आधे सेंटीमीटर ट्यूमर को भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं और उस एरिए को मार्क करके वहाँ से हम एफएनएसी या कोर बायोप्सी लेके उसको प्रूव कर सकते हैं कि इसको कैंसर ब्रेस्ट है। फिर दूसरी मशीन ओरल कैविटी के जो कैंसर है, मुंह के जो कैंसर काफ़ी कॉमन है, उसके लिए ओरल स्कैन नाम की मशीन है। इसमें भी इंफ्रारेड कैमरा है और मुंह में कहीं पर भी अगर कोई डाउटफुल लीजन लगता है, हमको शंका है कि ये कैंसर हो सकता है, तो इसकी जानकारी बहुत अच्छे से हम ओरल स्कैन से ले सकते हैं जिससे पता चलता है कि ये डाउटफुल एरिया है, यहाँ से बायोप्सी लेंगे तो
तो बायोप्सी लेने में 90% से ज़्यादा केसेस में वो पॉजिटिव भी मिलता है। तो ये दो मशीनें हम अपने सेंटर में लाए हैं और इसके अलावा डायग्नोसिस की सभी तरह की मशीनें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। समय पर हम उनकी जांच करके सही समय पर इसका पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, गतिविधियाँ किस तरह से है हॉस्पिटल की, क्या बताओगे? हॉस्पिटल में दो तरह की गतिविधि हैं। एक में तो हम डायग्नोसिस करते हैं, तो हमारे रेडियोलॉजी विभाग है जिसमें सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, थर्मोलाइटिस मशीन, ओरल स्कैन, ये सब मशीनें हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है जिसमें बायोप्सी, एफएनएसी, हिस्टोपैथोलॉजी, आईएससी के जांच किए जाते हैं। इन जांच के बाद जो कंफर्म होता है उसमें हम ट्रीटमेंट के द्वारा सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से ट्रीटमेंट के प्रकार हैं जिसमें सर्जरी के द्वारा जो बीमारी का हिस्सा उसे निकाल सकते हैं, रेडिएशन के द्वारा उस बीमारी के हिस्से को जला सकते हैं और कीमोथेरेपी के द्वारा उस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर बीके शर्मा से है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में क्या बताओगे? जैसे कि हमारे डायरेक्टर ने आपको बताया कि कैंसर के तीन प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे सर्जरी, अगर एक साधारण भाषा में उसको कहा जाए तो उस चीज को वहां से हटा दो, निकाल दो। और हमारे डायरेक्टर वैसे भी रेडियोथेरेपी के हेड है, अगर कोई कैंसर है, कोई बड़ा फोड़ा है जो कि हम लोग सर्जरी से नहीं कर सकते, यानी उसको हम एक प्रकार का स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा बहुत एडवांस कैंसर होता है, तब रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट को पेशेंट को भेजा जाता है और वहाँ पर उसको हम लोग रेडिएशन देते हैं और उसकी साइज को कम करते हैं और फिर सर्जन से कहते हैं कि अब हमने इसकी साइज कम कर दी, तब तुम इसको निकाल सकते हो। यहाँ सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों और रोल चलता है। एक बार हमने सर्जरी से कोई ट्यूमर को पहले निकाल दिया तो उसके बाद में हम उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद भी हम उसको रेडिएशन देते हैं। तीसरा और एक बात जैसे उन्होंने बताई कि कीमोथेरेपी ये ड्रग थेरेपी है, ड्रग के द्वारा, यानी ड्रग किस केस के क्यों दी जाती है, क्योंकि इसका विषय ऐसा है कि रेडियोथेरेपी से हम उसको उस पार्ट को बर्न आउट कर देते हैं यानी जला देते हैं, यानी पेशेंट को ऐसा कोई ज़्यादा उस पर कोई घाव वगैरह नहीं आता लेकिन ट्यूमर पूरा जला दिया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी ड्रग ऐसी है कि वो ड्रग ऐसी काम करती है कि कुछ ऐसे जो ट्यूमर होते हैं जिस जहाँ पर रेडिएशन और रेडियोथेरेपी का कोई इंडिकेशन नहीं है, जैसे कि ब्लड कैंसर, तो ऐसे ब्लड कैंसर के ट्यूमर को हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं जिसको बोलते हैं कि उससे उस चीज को गला देना। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार के ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और यही तीनों ट्रीटमेंट की एक मिलजुल के एक गांठ होती है कि क्या रेडियोथेरेपी पहले दी जाए या फिर सर्जरी पहले की जाए, और ये सब स्टेजेस के ऊपर में डिपेंड करता है। और इसी तरह से हमारे राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में जैसे कि हमारे डायरेक्टर बता रहे थे हम लोग ट्रीटमेंट प्रणाली करते हैं। बिल्कुल, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिलाओं में कैंसर का प्रमाण बढ़ते जा रहा है, किस तरह से उनमें अवेयरनेस है, क्या बताना चाहोगे? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा अभी हमारे डायरेक्टर ने आपको बताया है कि महिलाओं के अंदर जो कैंसर होता है उसकी जन जागृति होती है और हर साल हम अक्टूबर महीने में ये पूरे एक महीने तक उस जन जागृति का महीना हम लोग मनाते हैं। यूँ कहिए कि महिलाओं को जन जागृति देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खास करके जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए उनको खुद इस बारे में कहा जाता है कि आप खुद अपने स्तन की दबा के देखिए कि कहीं वहाँ गांठ है या नहीं है। यदि वो गांठ बहुत कड़क है या वो गांठ मूव नहीं होती है, इधर उधर पूरी अंदर जाके पूरी जगह समा जाती है या फिर निपल के ऊपर में से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ पस आना, ब्लीडिंग होना, तो ये सारी जब महिलाओं में होती है तो इसकी लिए हम लोग जन जागृति देते हैं कि आप सचेत हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और ये हमारी भाषा में हम करते हैं उसका हमने फार्मूला बनाया है BBL। BBL का मतलब ब्रेस्ट से बोन में जाना, बोन बाद में ब्रेन में जाना और बाद में लीवर में जाना, ये तीन खतरनाक उसके उसके जो स्प्रेड जो होता है कैंसर का, ब्रेस्ट का, ये सारी जानकारी उस पूरे महीने में दी जाती है। और हम पूरे महीने में उन स्त्रियों को अगर लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर है
तो उनको हम फ्री जांच हमारे अस्पताल में होती है। बिल्कुल, जनवरी महीना जो है कैंसर की जन जागृति के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर कतार सिंह, इनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहोगे? ये जनवरी का महीना कैंसर सर्विक्स अवेयरनेस मंथ है। जो बच्चेदानी के कैंसर है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, उसके अवेयरनेस का महीना है। तो महिलाओं के लिए ये एक मैसेज है कि यदि महावारी के बीच में ब्लीडिंग होती है या महावारी रुकने के बाद अगर बीच में ब्लीडिंग होती है, जैसे 45 के बाद महीना रुक जाता है, उसके बाद भी ब्लीडिंग होती है, तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इस महीने हमारे यहाँ पैप्समियर टेस्ट, VIA, कोल्पोस्कोपी, ये एक महीने के लिए मुफ्त है। तो पेशेंट, जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कोई डाउट है, तो वो आके ये टेस्ट करवा सकती हैं, इसका कोई फिलहाल चार्ज नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी जो है कैंसर के बारे में आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दी है, और इसी हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक जो है इस जानकारी से जागरूक हो और ये जागरूकता समाज में भी फैलाए। आज के खास मुलाकात में वक्त चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।